हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बीएड फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है क्लास लेकर आए हैं। एंड इसमें हम लोग जो आज सब्जेक्ट ले रहे हैं वो फिर से वही है, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया है। और इसमें हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है ये भी काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन इसमें बहुत सारे नाउन के साथ इसको यूज़ किया जाता है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, मतलब कि आलोचनात्मक समीक्षा करना है, ये फर्स्ट है। सारा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है और में, ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चन को आपको देखना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लास्ट का क्वेश्चन है। देखिए, जिसको बोलते हैं द प्रिम, यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है, ये एक नाउन की तरह करके यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें आप 1, 2, 5, 6 क्वेश्चन का आंसर जो है सेम होगा, और इससे मिलता जुलता भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका भी आंसर सेम होगा। तो उस आंसर को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, मतलब कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस जो एलिमेंट होता है प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको करना है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आज का वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। अभी हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास जो है कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद से बीएड एंट्रेंस का भी क्लास स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग रिज्यूम करेंगे। पहले से भी बहुत सारे क्लासेस बीएड एंट्रेंस के करवाए जा चुके हैं, तो जो भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे वो जा करके वो वीडियोज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में देंगे, क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगेन, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एंड उसके बाद उसमें क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, कैसी होनी चाहिए और कहाँ से ये ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ये सारी चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, मुख्य विशेषता देखना है भारतीय संविधान का। और यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, दैट मीन्स प्रिम्बल इज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी वर्णन करेंगे। तो दो नाउन के साथ ये क्वेश्चन है, एक कुंजी का है और ये एक अंतरात्मा का है, तो इसको हम लोग डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान प्रारंभ एक प्रस्तावना है, इसका स्टार्टिंग इस तरह से किया गया है। आप कोई और लैंग्वेज या कोई और सेंटेंस अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये कॉमनली नोन फैक्ट जो होता है वो हम भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। तो भारतीय संविधान एक प्रारंभ भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में क्या है, वास्तव में प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। फिर से मैं बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ डेट आपको याद रखने हैं, उस डेट को मेंशन जरूर करना है। जब भी आप डेट मेंशन कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने जो जो चीजें, जो उद्देश्य से बताया था होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, उस बारे वो सारी चीजें जो है प्रस्तावना में लिखी हुई है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य का वर्णन किया गया है और इस संविधान की आत्मा का चित्र भी कहा गया है। प्रस्तावना संक्षिप्त शब्दों में हमें संविधान की प्रकृति की जानकारी देती है। प्रस्तावना एक ऐसी चाबी के समान है जो संविधान निर्माताओं की इच्छा को प्रकट करती है। संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुसूची तथा अध्यायों में प्रस्तावना वर्णित उद्देश्य को क्रियान्वित एवं प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। देखिए, संविधान में क्या क्या है, जिसमें धारा है, अनुसूची है, फिर अध्याय है। इन तीनों चीजों में ही पूरे संविधान को डील कर दिया गया है। इन तीनों चीजों के ऊपर ही हमारा पूरा संविधान जो है बोल सकते हैं टिका हुआ है। अब आइए, यहाँ पे हम कुछ फिलोसफर्स के स्टेटमेंट लेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ, पहले हम लोग नोइंगली फैक्ट जो है, जो भी उस टॉपिक के बारे में रहता है उसको बताते हैं, और उसके बाद हमारे जो फिलोसफर्स हैं, जो हमारे बहुत जाने माने हैं और उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं और उसको देते हैं। तो सबसे पहले डीडी बसु का स्टेटमेंट है, तो डीडी बसु को हम अंडरलाइन करेंगे। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, इन्होंने ही कहा है। किसने कहा है ये याद रख लीजिएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डीडी बसु का स्टेटमेंट ये है कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने एक निर्णय में व्यक्त किया, संविधान ने जिस उन जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की कामना की गई है उसकी घोषणा प्रस्तावना में है। मतलब कि एक्चुअली में हम देखें तो ये जो बोला जा रहा है कि मन की कुंजी है, इसका मतलब है कि जो लोग संविधान बनाने में लगे हुए थे उनमें से ही कोई एक जो थे, या फिर उनमें से सारे सारे के सारे लोगों का जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, या फिर जो उन्होंने अपने मन में रखी हुई थी चीजें और जिस पे वो काम कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ पर जो है प्रस्तावना में दी गई है। जो संविधान में हम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले जो हमें प्रस्तावना मिलती है तो वो हमें मिलता है, इसीलिए डीडी बसु ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का, जैसे यहाँ सुब्बा राव का नाम दिया है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए डीडी भार्गव का कथन है तो इनको अंडरलाइन करेंगे। डीडी भार्गव ने क्या बोला है, पंडित डीडी भार्गव का कथन था, प्रस्तावना संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। तो प्रस्तावना जो है उसको डीडी भार्गव के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया जा रहा है। यह संविधान की चाबी है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का रत्न है। तो इतने ज्यादा नाउन, इतनी ज्यादा संज्ञा जो है प्रस्तावना के बारे में दे दी गई है। चलिए अब देखते हैं कि प्रस्तावना में है क्या। संविधान की प्रस्तावना संविधान का मौलिक भाग है। नवंबर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दो नए शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शामिल किए गए हैं। हाँ, टाइम टू टाइम पे ये संशोधन होते रहता है, जिसको जिसमें ये 42वां संशोधन है आप देख सकते हैं। और ये हुआ कब है, 1976 में, और 1976 में जब हुआ तो इसमें दो नए वर्ड जो है वो ऐड किए गए। कौन कौन से थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड निरपेक्ष एंड सेक्युलर, इसको ऐड किया गया। अब ये प्रस्तावना क्या है हम वो देखेंगे। देखिए प्रस्तावना है क्या, हम भारत के लोग, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करते हैं तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की फ्रीडम प्रदान करते हैं, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान करने के लिए। ये सारा जो है ये पूरे बोल सकते हैं कि भारत की बात एक्चुअली इस प्रस्तावना में बोल दी गई है। और ये बोलने वाले कौन थे, बोला तो ये जा रहा है कि नेहरू जी ही थे जो कि जब बोले थे वहाँ पे 1946 में, यहाँ पे देख सकते हैं 11 दिसंबर 1946 में, उसी चीज को, वही उद्देश्य को यहाँ पे एज अ प्रस्तावना दिखाया गया है। अब इसके हम लोग, अब हम प्रस्तावना को जान चुके हैं तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, इसके एलिमेंट्स को जानेंगे, फीचर्स को जानेंगे। अब इसमें कौन कौन से, फिर से थोड़ा सा नोइंगली फैक्ट जानेंगे, दैट मीन्स की इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद से हम इसके जो मेन मेन बोल सकते हैं कि माध्यम है, मीडियम है, उसको जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है मीडियम है वो है इंडियन पीपल आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ये कैसे बोला जा रहा है इसमें, इसके जो फर्स्ट सोर्स है उसको सत्ता स्रोत बोल सकते हैं, जो सोर्सेस बताए गए हैं वो भारतीय लोग संवैधानिक सत्ता का स्रोत है। ये इंडियन पीपल आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, इस बात को यहाँ पे डील किया गया है। डीलिंग आप देख लेंगे लेकिन जहां पे भी यर हो, किसी का नाम हो, उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि उसमें बताया गया है इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, ये कैसे है, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य कैसे है, वो भी डील किया गया। एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है कि यही क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट में आ जाए कि किस तरह से आप बोल सकते हैं कि भारतीय लोग संवैधानिक सत्ता का स्रोत है, या आप क्या समझते हैं, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इतना जो आप लर्न किए हुए रहेंगे आपको इजी होगा लिखने में, तो इसको भी आप देखिए और बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें कोई भी एक भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस आप छोड़िएगा नहीं। दूसरा है हमारा भारत एक समाजवादी राज्य है, इंडिया एज अ सोशलिस्ट स्टेट, तो इसको आपको देखना है। सेकेंड है, फोर्थ नंबर है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ये कैसे हम कह सकते हैं, वो भी डील किया हुआ है।
फिर है इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये हम कैसे कहेंगे, ये भी पूरी तरह से डील क्या है इसको आपको देखना है। यहाँ पर एक चीज देखिए कि जब हम प्रस्तावना को डील कर रहे हैं, उसके फीचर्स को, एलिमेंट्स को देख रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट में देख रहे हैं, पॉइंट को डील करना ईजी होता है और इसमें मार्क्स भी अच्छे गेन होते हैं। फिर है सिक्स नंबर है, भारत एक जो है इंडिया इज अ रिपब्लिक, तो इसको देखेंगे सिक्स नंबर, इसको डील, इसके डील को देखेंगे। सेवन नंबर है जस्टिस, इंडिया में किस तरह की जस्टिस बोल सकते हैं सिस्टम है, उसको हमको देखना है। तो सामाजिक है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इन सारी चीजों को पॉइंट वाइज आपको डील करना है। लास्ट में संविधान लिखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनकी बातों को, उनके स्टेटमेंट को लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग बी आर अम्बेडकर को भी अंडरलाइन करेंगे एंड देन हम उसको डील करेंगे उन्होंने क्या कहा है। फिर उसके बाद है एट्थ नंबर है लिबर्टी, किस तरह से जो है फ्रीडम मिलती है इंडियन को, कौन कौन से फ्रीडम की बात कही गई है संविधान में, वो सारी चीजें। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करें, समानता की बात करें, तो इसमें हम किस तरह से सभी लोग, अमीर हो, गरीब हो, या कास्ट है, या कुछ भी इसमें देखा नहीं जाता है, वो उस इक्वालिटी की बात की गई है। फिर फेटर्निटी, इसको बोलते हैं भाईचारा, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया एक्चुअली में भाईचारा के लिए जाना जाता है, तो इस बात को किस तरह डील किया गया है वो है। इलेवेंथ नंबर है हमारा बिलीफ इन ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, व्यक्ति की गरिमा एंड सम्मान में विश्वास। फिर है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प। तो ये 12 पॉइंट हैं जो कि आपको एलिमेंट्स और बोले फीचर्स बोले, ये डील किया गया है किसके लिए, प्रस्तावना के लिए, और ये सारी चीजें आपको करनी है। अब आइए क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्योंकि आलोचना की भी बात कही गई है क्वेश्चन में, तो इसमें बुरा क्या है, क्यों इसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है। आइए मेन क्वेश्चन जो इसमें था कि आलोचना के बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में, कि प्रस्तावना की प्रिम्बल के जो है क्रिटिसिज्म किस तरह से किया गया, इसमें क्या बुराई है। तो देखिए इसमें बुराई यही है कि यहाँ पे जो है मौलिकता, ओरिजिनलिटी, जो भी बातें कही गई हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं किताबी बातें हैं, उसको रियलिटी में लाना डिफिकल्ट है, जो कि अभी भी पूरी तरीके से आ नहीं पाया है। ठीक है, जो अगर लिखा गया है संविधान और जो लिखा गया है प्रस्तावना में, अगर वो पूरी तरीके से यहाँ पे लागू हो जाए या हर कोई फॉलो करने लगे, तो हम ये बोल सकते हैं ये तो स्वर्ग ही बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें बोली गई हैं उसमें से हाफ ऑफ ऐसी चीजें हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है, जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ये है, प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है, नॉट जस्टिसेबल है। कैसे, देखिए प्रस्तावना की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसमें वर्णित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी उद्देश्य बताए गए हैं प्रस्तावना में, उनमें से उसको सभी को हम लोग कंट्री में अगर देखें तो उसको हम लोग प्राप्त नहीं किए हैं, या वो हमें अभी तक मिला नहीं है इसीलिए। फिर है लैक ऑफ रैशनैलिटी इन टर्मिनोलॉजी, शब्दावली में तार्किकता का अभाव है। वही बातें हैं कि जितनी बातें बताई गई हैं वो रियलिटी से काफी दूर लगता है, इसीलिए अभी तक हम लोग उतना उसको पा नहीं पाए हैं। फिर है हमारा प्रस्तावना पुरानी जड़ चुकी है। फिर है संविधान एवं उसकी प्रस्तावना लोकतंत्रात्मक नहीं है, ये भी चीजें बताई गई हैं, सबको डील किया गया, आपको पढ़ना है, करना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सो छोड़ना नहीं है। अब आएंगे प्रस्तावना का महत्व देखेंगे, देखिए एलिमेंट्स फीचर्स जान गए, क्रिटिसिज्म जो हुआ वो भी जान गए, अब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस में है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंस क्या है प्रिम्बल में, तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो यही है कि जो हमें प्रस्तावना में मिला है वो पूरा सारांश है, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मिला है। फिर है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यूज एंड कमिटमेंट्स, प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल्य, आदर्शों एवं प्रतिबद्धताओं का समावेश किया गया है। फिर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, सरकार की उपलब्धियों का मापदंड, भावनात्मक पक्ष, ये सारी चीजें जो है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंस है किसके, प्रस्तावना के, प्रिम्बल के। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक कितना कर लिया है, प्रस्तावना क्या है, फीचर्स एलिमेंट्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये 3-4 क्वेश्चन अभी तक हो गए। अब हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखना आजकल बहुत जरूरी हो गया है,
कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। तो एमपी पायली का कथन है कि न्याय स्वतंत्रता समानता के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण करने का अभिप्राय यह था कि सभी यह महसूस करें कि हम एक धरती पर एक ही मातृभूमि की संतान तथा एक ही समुदाय के सदस्य हैं। तो इस तरह से आप दो तीन स्टेटमेंट दे करके एंडिंग कंक्लूड कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। बस ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, जिसमें टोटल देखा जाए तो 6 क्वेश्चन है और वो 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।